हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी पेपर पे। तो परफेक्ट तरीके से आपको पेपर पे कैसे कटिंग करना है, और मैं जैसे कपड़े पे कटिंग करती हूँ वैसे ही मैं आपको पेपर पे बताऊंगी। तो सारा ही मार्जिन हम पेपर पे बढ़ा लेंगे, सिर्फ आपको पेपर को कपड़े पे रख के कट करना होगा। तो कटिंग किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए पेपर लिया हुआ है, और इसमें मैं दो पेपर ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इसमें आपको बड़ी स्लीव्स भी कटिंग करना बताऊँगी, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, जो कोनी के ऊपर तक, एल्बो के ऊपर तक होती है हमारी स्लीव्स। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, बोट नेक का मैं चार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो किस साइज़ में आपको कितना शोल्डर, कितना चेस्ट साइज़ में कितना शोल्डर, कितना आर्मोस, कितनी नेक विड्थ और कितनी फ्रंट नेक लेंथ लेनी होती है। बैक नेक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर आपको फ्रंट में कितनी नेक लेंथ रखनी होती है वो मैंने चार्ट में बताया हुआ है। इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी जाएगी, आप लोग देख के बना सकते हैं। और ये चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग अगर बोट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कितना आपको शोल्डर आर्मोस और नेक विड्थ रखनी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी चार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है, और मैं भी इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 34 साइज़ का मैं बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग आपको बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये दो पेपर लिए हैं, एक में हम कटिंग करेंगे, एक में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पेपर पे बताती हूँ। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पेपर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, इसकी अच्छी से आपको क्रिस्प बना लेनी है इस तरीके से। और मैं इन दोनों ही पार्ट को अलग अलग कर देती हूँ, ताकि एक में हम फ्रंट और एक में हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े पर तो मैं आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ कपड़ों पे कटिंग के, स्टिचिंग भी है। तो आज मैं आप लोगों को पेपर पे बता देती हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो सीधे कपड़े पे कटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप लोग पेपर पे कटिंग कर सकते हैं पहले, फिर उसे कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर को दो पार्ट में अलग अलग कर लिया है। तो एक पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और एक पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हम कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो भी मैं आपको पेपर पे ही बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने पार्ट कट किया हुआ है किनारी वाला वो मैंने उस तरफ रखा है, और जो बिल्कुल सीधा बिल्कुल प्लेन है पार्ट हमारा वो मैंने इस तरफ अपनी तरफ रखा हुआ है। दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है, और जो मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, समझना है कि आपका कपड़ा ही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। तो देखिए, आपको लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है, और जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें आपको एक इंच मार्जिन का प्लस करके लेना होता है, क्योंकि हम जब ऊपर कंधे जॉइंट करते हैं और नीचे कमर पट्टी लगाते हैं तो आधा आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, और अगर आप बेल्ट में, यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट पे बताऊँगी बैक ओपन पे कटिंग करने का, और अगर आप फ्रंट ओपन बनाते हैं तो देखिए आपको यहाँ से हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लेना होगा हाफ इंच। और अगर आप इसमें बेल्ट ब्लाउज़ या फोर टक्स ब्लाउज़ कुछ बनाते हैं तो फ्रंट पार्ट में, जैसे मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखना है। और अगर आप बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें आपको फ्रंट लेंथ में 1 इंच और प्लस कर लेना होगा, जैसे कि अगर हम इसे 14 इंच ले रहे हैं तो आपको 15 इंच लेना होगा अगर बेल्ट ब्लाउज़ आप बनाते हैं तो। जब भी हम किसी प्रकार का कोई बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हमें 1 इंच मार्जिन प्लस करना होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बैक ओपन पे बता रही हूँ, क्योंकि अभी ये वाला जो ब्लाउज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर टोटल लेंथ ले लेंगे इसमें 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे यहाँ पर तैयार रखनी है इसकी लेंथ। और इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लिया है। और किस साइज़ में आपको कितना शोल्डर लेना है, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर 34 साइज़ का, तो देखिए मैंने 34 साइज़ में कितना बताया हुआ है, 7 इंच शोल्डर, 7 इंच आर्मोस, 7 इंच और नेक विड्थ 4.5 इंच और नेक लेंथ 4 इंच।
तो देखिए हम यहाँ से शोल्डर ले लेंगे 34 साइज़ के अकॉर्डिंग 7 इंच, और यहाँ से भी ले लेंगे 7 इंच। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी बोट में कितना चल रहा है। और ये जो मेज़रमेंट मैंने आपको बताया है, ये आप अपनी कुर्ती भी अगर कटिंग करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट मेज़रमेंट है बोट नेक का। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो बहुत ही मतलब आप परफेक्ट हो जाएंगे बोट नेक की ब्लाउज़ कटिंग में। तो देखिए हमें यहाँ पर चेस्ट का, यहाँ पर हमने शोल्डर ले लिया है 7 इंच, आर्म होल्स ले लिया है 7 इंच, और यहाँ से लेना है हमें चेस्ट का चौथा भाग, फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम अपने चेस्ट का। तो जैसे कि हमारे चेस्ट है 34 साइज़, तो उसमें 8.5 इंच ले लेंगे हम यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, यहाँ पर मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, पर 1.5 इंच से कम आपको नहीं लेना है, 1.5 या 2 इंच का ही मार्जिन आपको लेना है। और देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मिला लिया है इसे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो बॉडी से नाप लेते हैं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा उसमें प्लस करना होता है अगर आप फिटिंग में नाप ले रहे हैं। और अगर आप बने हुए ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर बोट नेक में कोई भी एक्स्ट्रा प्लस उसमें नहीं करना है चेस्ट में और वेस्ट में, सिर्फ अगर बॉडी से नाप लेते हैं फिटिंग में तो आपको 2 इंच प्लस करना है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। तो देखिए यहाँ पर आपको 1 इंच की गोलाई कर देनी है, तो ये आपको सभी में 1 इंच की ही गोलाई करनी है, किसी भी साइज़ का आप बनाएं। यहाँ पर हमने गहराई कर दी है, और अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेना है। तो कमर है हमारी 28 इंच, 28 इंच का फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर ले लेंगे, 7 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। ये इसलिए लिया है क्योंकि हम बैक पार्ट में प्लीट्स लगाते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने आपको ये बैक पार्ट के लिए बताया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देना है। ये हमें हाई नेक बोट नेक ब्लाउज में करना होता है। और गले की जो चौड़ाई है देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने 4.5 इंच बताई है, पर हमें कॉमन अगर कहीं लोग ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 इंच ही ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 4 इंच पर ही बता रही हूँ आपको, और अगर आप और ब्रॉड में पहनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 4.5 इंच लेना है। और जो नेक लेंथ है, बैक पार्ट में आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बैक ओपन रख रहे हैं पूरा, अगर आपका जो ब्लाउज़ है वो हाई नेक पर है, जैसे कि आप सिर्फ यहीं से नेक को दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बैक पार्ट में कपड़े पे 1/2 इंच बढ़ा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपका शोल्डर जो है वो छोटा हो जाएगा, खिंचाव होगा पीछे। और अगर आप इसमें कोई डिज़ाइन दे रहे हैं नीचे की तरफ तो देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपका जो नेक है वो यहाँ से बिल्कुल पैक है, सिर्फ 2.5 या 2 इंच का ही यहाँ पर गैप है, तो हाई हुक की पट्टी के लिए यहाँ से आपको कपड़े पे एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। जैसे हम फ्रंट में कैसे बढ़ाते हैं वैसे ही आपको बैक में ले लेना है, पर इस तरीके की कोई डिज़ाइन होती है जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, वैसे कोई डिज़ाइन अगर आप डाल रहे होते तो नहीं बढ़ाना है आपको। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पीछे की तरफ नेक लिया है मैंने, लेंथ में 10.5 इंच और चौड़ाई में 4.5 इंच। इस तरीके से पहले आप एक बॉक्स बना लें। जब भी आप कोई नेक की डिज़ाइन बनाते हैं तो आपको इस तरीके का एक बॉक्स बना लेना है, उससे बहुत ही आसानी रहती है आपको नेक डिज़ाइन ड्रॉ करने में। और ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए मैं 3 इंच पे एक छोटा सा नेक बना रही हूँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपका नेक सिर्फ इतना ही होता है, इसके बाद नीचे की तरफ बिल्कुल पूरे हुक होते हैं या बटन होते हैं या कोई जिप लगा रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा लेना है कपड़े पे। और अभी हम यहाँ पर कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से
अब देखिए यहाँ पर हमारी एक डिज़ाइन आ गई है और यहाँ पर हमारा एक बटन आ जाएगा या डोरी जो भी आप लगाएंगे, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा हाफ इंच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम हाई हुक की पट्टी बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके कटिंग करके बताती हूँ आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। हम नीचे से कट करना इसे शुरू करेंगे। नेक को हम बाद में कट कर लेंगे। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम दूसरा पेपर लेंगे, उसके ऊपर हम इस तरीके से अपना बैक पार्ट रख लेंगे। तो अगर आपका ये जो ब्लाउज़ है वो फ्रंट ओपन होता है तो इस तरीके से आपको हाई हुक की पट्टी का इतना हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। पर अभी मैं आपको यहाँ पर बैक ओपन पे बता रही हूँ तो हम इसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर आप बना रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से रख लिया है। अब हमें इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, जैसे बैक पार्ट है हमारा उसी तरीके से। तो देखिए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, तो हमें दोबारा से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो दोबारा से मेज़रमेंट ले सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया है। ये पैटर्न हमने फ्रंट के लिए बना लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं बैक ओपन पर तो आपको यहाँ पर लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से फ्रंट पार्ट में। ये हाफ इंच ले लिया हमने और देखिए यहाँ पर एक इंच तो हमने बढ़ा ही लिया था बैक पार्ट के प्लेट्स में, तो हमें यहाँ पर टोटल 2 इंच रखना है क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच और बढ़ा लिया मैंने यहाँ पर और आर्म होल्स तरफ से भी 1 इंच बढ़ा लेना है। ये हमें एक्स्ट्रा लेना होता है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए क्योंकि यहाँ से जब हम कटिंग करते हैं तो इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपका मार्जिन कम हो जाता है फ्रंट पार्ट का। और एक्स्ट्रा लेने के बाद जब हम स्टिचिंग करते हैं फिटिंग डालते हैं तो हमें बैक पार्ट के बराबरी से कर लेना होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जब बाहर की तरफ निकल रहा होता है हमें उसे कट करके निकाल देना होता है। यहाँ से देखिए आर्म होल्स का शेप कर देंगे हम 7 इंच पे इस तरीके से। ऊपर से हमने हाफ इंच कट कर दिया तो 6.5 पे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और देखिए एक बात और बताऊँ मैं आपको यहाँ पर कि प्रिंसेस कट में हमेशा आर्म होल्स की जो गोलाई होती है, जब हम अपना प्रिंसेस कट का पार्ट जोड़ लेते हैं उसके बाद हमें इस तरीके से गोलाई करनी होती है, कटिंग के समय नहीं करनी होती है, जब हम स्टिचिंग करते हैं जब करनी होती है। तो काफ़ी सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड स्टिचिंग के, आप उसमें देख सकते हैं मैंने किस तरीके से दी है। और यहाँ पर फ्रंट के लिए हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। 4 इंच ली है मैंने। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि जब भी आप यहाँ पर बोट नेक में पीछे बोट नेक रखना चाहते हैं और आगे डीप नेक रखना चाहते हैं तो गले की जो चौड़ाई होती है वो आपको 3 या 3.5 ही रखनी है, क्योंकि अगर आप आगे भी डीप नेक रख लेंगे और यहाँ से गले की चौड़ाई भी बढ़ा लेंगे तो आपका जो आगे का नेक है वो झोल खा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पीछे आप बोट नेक बनाएं और आगे आपको डीप नेक रखना है जैसे कि 6.5 या 7 इंच, तो आपको गले की चौड़ाई 3 इंच ही लेनी है। अगर 6 इंच तक रख रहे हैं आप गले की चौड़ाई, जो लंबाई है वो 6 इंच तक रख रहे हैं, 6.5-7 इंच रख रहे हैं तो 3 इंच ही लेना है। और 5 इंच या 5.5 इंच रख रहे हैं तो 3.5 इंच तक चौड़ाई आप ले सकते हैं। तो सिर्फ अगर आपको बोट नेक में फ्रंट में बड़ा रखना है तो सिर्फ आपको गले की चौड़ाई का ही ध्यान रखना है कि गले की चौड़ाई आपको कम लेनी है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग के लिए बता दूँ मैं आपको कि अगर आपका जो ब्लाउज़ है वो फ्रंट से ओपन है,
फ्रंट ओपन है तो यहाँ से आपको लेना है 3.5 इंच, पर अगर अभी हम बैक ओपन बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर लेना है 3 इंच, यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। और यहाँ पर देखिए हमने गले की चौड़ाई रखी है बोट नेक के अकॉर्डिंग 4 इंच, तो गले की लंबाई मैंने यहाँ पर कितनी बताई है 34 साइज में 4 इंच, तो आप 4 इंच बताइए, पर आप 4.5 इंच तक भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 4 इंच पे ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि बोट नेक में आगे का गला छोटा ही आता है, बड़ा नहीं होता है, और बड़ा रखना है तो आपको गले की चौड़ाई कम रखनी होगी। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है कि हम गले की चौड़ाई आगे इतनी रखें पीछे इतनी रखें, जो आप आगे रखेंगे सेम आपको बैक पार्ट में भी उतनी ही लेनी है। ऊपर से देखिए हमें टक्स पॉइंट लेना है, यहाँ पर 34 साइज के अकॉर्डिंग लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच, और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। देखिए ये लाइन को हमने नीचे की तरफ मिला दिया है, अब क्या करना है हमें इस लाइन को आर्म होल्स की तरफ मिला देना है इस तरीके से। हमने इसे मिला दिया आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से, और यहाँ पर ले लेंगे हम 1.5 इंच चौड़ाई में और ले लेंगे 1.5 इंच लंबाई में इस तरीके से। और देखिए अब हमें क्या करना है, शेप का ध्यान देना है, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ से आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस तरीके से। और ये जो 1/2 इंच हमने यहाँ से बढ़ाया हुआ है इसे हम यहाँ पर कम भी कर देंगे, तो जो 1/2 इंच की ज़रूरत होती है हमें यहाँ पर ही होती है, क्योंकि जब हम ये पार्ट अपना कटिंग करेंगे तो इसमें हमारी लेंथ जो है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पर ही 1/2 इंच की ज़रूरत होती है, यहाँ से हमने इसे कम कर दिया है। तो ये वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट के बराबर ही होना चाहिए, 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा सिर्फ यहीं तक चाहिए होता है, तो इसे हमने यहाँ पर कम कर दिया है। और ये गोलाई की मैं आपको बता रही थी कि ये जब आप प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच कर लेंगे उसके बाद कपड़े पे आपको आर्म होल्स इतना कट कर देना है, ठीक है। और जैसे ये बोट नेक है तो इसमें आपको जो गोलाई है वो 1/4 इंच तक करनी है इस तरीके से, और डीप नेक है तो 1/2 इंच ही करनी है, और अगर बोट नेक या कॉलर वाला ब्लाउज है तो 1/4 इंच देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की भी, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बोट नेक को लेके बता दी है इस वीडियो में, देखिए मैंने यहाँ पर अभी गहराई से कट किया है, पर आपको नहीं करना है, आपको बाहर वाले आर्म होल्स की तरफ से ही करना है, गहराई आपको बाद में स्टिचिंग के समय देनी है। और अगर आप इसमें 4 टक्स ब्लाउज़ बना रहे होते हैं तो आप गहराई इस यहाँ पर इस समय ही कटिंग कर सकते हैं कटिंग के समय, पर अगर प्रिंसेस कट पार्ट है तो स्टिचिंग के समय आपको करनी है। अब हम इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे। हल्का सा शेप हमें यहाँ पर दे देना है इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको स्लीव्स बता देती हूँ, तो स्लीव्स कटिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है बैक पार्ट की, और ये जो बैक पार्ट में हमने नेक ड्रॉ करा है उसे भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। बोट नेक में बैक का नेक आप कितना भी डीप रख सकते हैं, यहाँ से भी आप जितना गले को फैलाना चाहें फैला सकते हैं शेप के अकॉर्डिंग। और देखिए हमें यहाँ पर बैक पार्ट में जो प्लेट्स डाली हैं वो किस तरीके से डालेंगे, यहाँ से लेंगे हम 4.5 इंच, 4.5 इंच पे मार्किंग की है, और ऊपर लेंथ यहाँ पर चौड़ाई में 4.5 इंच लिया है, लंबाई में भी 4.5 या 4 इंच रख सकते हैं, हम यहाँ पर लंबाई में 4 इंच रख लेंगे। नीचे की तरफ इसे मिला देंगे और 1/2 इंच यहाँ से
और हाफ इंच इस तरफ से ले लेंगे। तो मैंने अभी आपको जो कटिंग बताई है इसमें आपको एक्स्ट्रा कपड़े पे कुछ भी नहीं बढ़ाना है, हमने सभी जो मेज़रमेंट है एक्स्ट्रा वो पेपर पे ही ले लिए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग की है बैक पार्ट में टक्स के लिए। अब देखिए स्लीव्स कटिंग के लिए क्या करना है आपको, हमें ये आर्महोल्स नापने हैं। मैं हमेशा ये आर्महोल्स नाप के ही कटिंग करती हूँ तो मेरी स्लीव्स परफेक्ट आती है, छोटी बड़ी नहीं पड़ती है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो 2 इंच लिया है हमने मार्जिन का, इसे हमें ये छोड़ देना है, इसे हम मेज़रमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ये छोड़ दिया है और ऊपर से हाफ इंच भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है क्योंकि हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। अब यहाँ से हम आर्म होल्स नापेंगे इस तरीके से, तो कितने आ रहे हैं देखिएगा, 7 इंच आ रहे हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, 7 इंच आ रहे हैं आर्म होल्स, इसमें हमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। देखिए 1/2 इंच प्लस कर दिया है तो 7.5 इंच ले लेंगे। अब ये पेपर हम अलग रख लेंगे। देखिए अब मैंने स्लीव्स कटिंग के लिए यहाँ पर ये पेपर लिया है और स्लीव्स के जो लेंथ है वो मैं 11 इंच बता रही हूँ क्योंकि अभी ये वाली स्लीव्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। देखिए 11 इंच पे हमने यहाँ पर इस पर मैंने मार्जिन भी ऐड किया क्योंकि 13 यहाँ पर 10 इंच मुझे तैयार रखना है, इसलिए 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लिया है। ये हो गई हमारी लेंथ स्लीव्स की। देखिए पेपर के बंद भाग से लेंथ ली है मैंने और ये वाला जो आर्म होल्स मैंने नापा है वो अभी हम यहाँ पर ले लेंगे 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच जो आर्म होल्स हमने नापा था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। अब देखिए क्या करना है हमें, अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच पे डाउन करना होता है और अगर बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए 3 इंच पे डाउन करना है इस तरीके से। तो ये जो हम 11 इंच स्लीव्स बना रहे हैं ये आप 40 साइज तक 3 इंच पे ही डाउन कर सकते हैं। अगर आपका जो साइज़ है वो 40 से ज़्यादा है तो 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पर 3 इंच पे डाउन कर दिया, इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्या करना है हमें, देखिए इस तरीके से एक तिरछी लाइन खींच लेनी है, यहाँ पर तिरछी लाइन बना ली है। अब हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे हमारे आर्म होल्स का, कौन सा वाला आर्म होल्स, ये वाला जो हमने मेज़र किया था बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का जो आर्म होल्स आ रहा था वो 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम इस तरीके से हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे। अगर एक बार में परफेक्ट नहीं आता है तो दूसरी बार कर लीजिएगा। और स्लीव्स राउंड है हमारा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। स्लीव्स की मोरी है हमारी 10 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5 इंच। और इधर से भी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कोई मेज़रमेंट नहीं बताती हूँ मैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई, सभी साइज़ की स्लीव्स आपको इसी तरीके से कट करनी होती है। अब देखिए आर्म होल्स कितना यहाँ पर गहराई करनी है, तो हमें देखिए 1/2 इंच की यहाँ पर इस तरीके से गहराई कर देनी है। तो गहराई सिर्फ आपको ये मार्जिन जो लेते हैं हम 2 इंच उसके ऊपर तक ही देनी होती है और 1/2 इंच सेंटर से नीचे की तरफ। तो देखिए हमने यहाँ पर गहराई भी कर दी है, साथ में आप हमेशा मेरी आदत है कि मैं मार्किंग यहाँ पर कर लेती हूँ ताकि स्लीव्स छोड़ते समय हमें ध्यान रहता है कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही अटैच करना है। अगर आप ये वाला पार्ट बैक में अटैच कर देंगे तो फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करें क्योंकि अगर आप ये मार्किंग कर लेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि ये आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा दी है एक ही वीडियो में। तो ये कटिंग हमारी बोट नेक ब्लाउज़ की कम्प्लीट हो गई है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।